गाइस वेलकम बैक टू चैनल। और अभी हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में पैनिक सेलिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि तो वो जो बिटकॉइन का जो गवर्नमेंट वाला बिल है ये जैसा कि बैनिंग के स्पेकुलेशन फिर से चालू हो गए। मतलब पता नहीं यार क्या है, नहीं हो सकता है बैन। गवर्नमेंट को भी समझ लेना चाहिए, राइट टू डेमोक्रेसी है, दबा नहीं सकते किसी को। पता ही कैसा फार्मर्स को दबा रहे थे, नहीं दबे, आखिर में रिपल करना पड़ा बिल। सो बेसिकली ये फालतू में फंड फैलाया जा रहा है, ये इंडियन मीडिया फैला रही है फंड, ये सब गोदी मीडिया, ये सब। और यूएसडीटी के प्राइसेस डम्प करें क्योंकि लोग यूएसडीटी सेल कर रहे हैं, तो अच्छा मौका है, यूएसडीटी बाय कर लो। क्योंकि पता ही यार, सरकार आती रहेंगी जाती रहेंगी, काम चलता रहना चाहिए। इसलिए अच्छा खासा क्रैश कर गया, सीधा 78-80 से 70 पहुंच चुका है। कोई नहीं, नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं स्टेबल कॉइन है यूएसडीटी, तो ये यूएसडी के प्राइस पे चल जाएगा, हम 74-75 के आसपास। सो इतनी भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मेरा भी पोर्टफोलियो अगर INR में देखा जाए तो डाउन है, बट US डॉलर्स में मेरा पोर्टफोलियो उतना ही है। तो मेरे को मेरा एम ये नहीं है कि INR में कितना है, मेरा कितना वैल्यू गिर रहा है ऊपर देखना है। INR तो ऑब्वियसली ये अल्टीमेटली इंक्रीज होगा ही US डॉलर के वैल्यू में। सो मेरा बेसिकली एम यही है कि USDT मेरे को अपना बढ़ाना है, US डॉलर ट्रेड करके। बाकी ये फर्ड वर्ड फैलते रहेंगे। सो यही अपडेट देना था गैस, फालतू के फर्ड में मत जाओ। अभी तो पार्लियामेंट में डिस्कशन भी नहीं हुआ, डिस्कशन भी होगा भी कि नहीं, ओपोजिशन करने देगा भी कि नहीं डिस्कशन, आपको ये खुद नहीं पता है। पार्लियामेंट में आएगा, लोकसभा में ओपोजिशन और सामने सरकार बैठेगी, डिस्कशन होगा पार्टीज के बीच, उसके बाद तब तक में चल बसेगा। यही पता चला एक इलेक्शन हारे, सब सारा मुद्दा ही निकल गया सामने से। इसलिए फालतू में फंड फैला रहे, फंड में मत जाओ। कोई कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, करना क्या है सरकार को, लोग अपना ही दिमाग चला रहे हो, सेल करने लग रहे हैं। और देखा जाए तो INR के बेसिस पे बहुत लो चल रहा है करेंसीज का प्राइस, अगर BTC का देखे तो चले 38 पे आ गया है। ये देखो 38 पे आ रहा है, असली में BTC का प्राइस अभी है 42 लाख, और यहाँ पे दिखा रहा है 38 लाख। तो देख सकते हैं 4 लाख का अंतर दिखा रहा है BTC प्राइस में। तो मतलब ये फंड फैला रहे हैं और कुछ। और यार जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हो कि ऐसा बहुत बार फंड फैला हुआ है, चाइना भी 5-6 बार बैन कर चुका है क्रिप्टो करेंसी। ऑलरेडी जानते हैं पहले क्या होता था, चाइना जब बैन करता था तो एक फंड आता था, प्राइस डंप कर जाता था, फिर चढ़ जाता था ऊपर, फिर से चाइना का बैन का न्यूज आया, फिर डंप आया। इस बार क्या हुआ, इस बार बैन हुआ तो कोई डंप ही नहीं आया, उल्टा उल्टा है भाई, BTC क्रैक किए। सो ये बस फालतू की बात है। और बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है प्राइस USDT का फिलहाल, 66। सो इस पे मत जाना, आपका एम है US डॉलर्स बढ़ाना है आपको। आपको आगे जाके कहीं भी कन्वर्जन मिल जाएगा, मतलब जहां लोग जाएगी, अगर देखा जाए तो अगर US रेगुलेट कर रहा है और अलाउ कर रहा है ट्रेडिंग, सबको एक अलाउ कर रहे हैं, तो बस आपको अपने कॉइन्स ट्रांसफर करने होंगे जब गवर्नमेंट का ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि बिटकॉइन और इथेरियम मेजर करेंसीज भी बैन कर दे, ऐसा तो होने वाला है नहीं। बैन भी करेंगे कितना, 1 साल 2 साल जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट का अपने ऑर्डर आ जाएगा। गवर्नमेंट खुद की फेलियर्स तो देखती है नहीं, चलिए हमारा भला सोच लें। सो फंड नहीं फैलाना है, बस बात यह है कि ऑलरेडी जब ऐसा फंड फैलता है तो USDT का वैल्यू देख सकते हैं आप, 50 50 रुपया से 100 रुपया पर नीचे होता है। अब मान लो 3 हफ्ता बाद बिटकॉइन अगर ऑल टाइम हिट कर देता है, 100 के पहुंच जाता है इन केस मान लो, तो फिर ऐसा ऐसा फंड आएगा कि फोम होने लगेगा लोग को, चलो चलो बाय करो बाय करो, फिर फटाक से 90 रुपीज पहुंच जाएगा। तब तो लोग बाय, तब तो सेलर्स ही नहीं मिलेंगे। बात वहीं पे आ जाती है आखिरकार कि आपको अपने US डॉलर्स
ट्रेड करके बढ़ाना है, बात यही है। और अल्टीमेटली ऐसा तो कुछ है नहीं, अगर बिटकॉइन में भी आपका तो बिटकॉइन अल्टीमेटली ऊपर ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। 3 साल लगे, 4 साल लगेंगे बुल मार्केट से बेयर मार्केट में आएगा, बट ऊपर ही जाना है। तो टेंशन मत लो यार, फालतू की चीज है। जो लोग आज पैनिक में सेल कर देंगे, वो लोग फिर आगे जाके पछतावा करेंगे कि मैंने आज क्यों किया। ये सारे वीक हैंड्स है जो आप देख रहे हैं, ये जो सेलिंग पर, ये जो सारे सेल कर रहे हैं, सारे वीक हैंड्स। आपको पता नहीं है कि आप देखा जाए तो, अगर आप बिटकॉइन का चार्ट देखोगे तो, आप यहाँ देखो बिटकॉइन का चार्ट मैक्सिमम, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे करेक्शन आता है, जितना आता है लगभग 50-60% करेक्शन भी आता है। अभी बुल मार्केट ही चल रहा है बिटकॉइन का। और अगर आप यहाँ देखो निफ्टी का चार्ट देखोगे, ये देखो कहीं आपको करेक्शन दिख रहा है? कहीं नहीं, बस दो करेक्शन भी, वो जब रिसेशन में जाता है, एक तो कोविड के कारण और एक जो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसके कारण। और इंडिया का जीडीपी ग्रोथ देखो, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है स्टॉक मार्केट को। स्टॉक मार्केट सिर्फ चल रहा है फॉरेन फंड्स के बदौलत, इसलिए ये सब बकचोदी है। कुछ होने वाला है नहीं गवर्नमेंट को, इसलिए आप लॉन्ग टर्म देखो, लॉन्ग टर्म विजन रखो, US डॉलर्स बढ़ाओ, BTC बढ़ाओ, बस।